हेलो प्यारे छात्रों, नमस्कार। आज आप लोगों को प्रश्नावली 3.5 का चौथा नंबर सवाल बताया जाएगा, जो कि वर्ड प्रॉब्लम में है। अतः इन सवालों को आप लोग कम से कम 3-4 बार अवश्य लगाइएगा, इससे आप लोगों को दोगुना फायदा मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। चलिए शुरू करते हैं। तीसरा नंबर जो सवाल था उसमें समीकरण दिए हैं, उस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि से हल करना है। अतः उस सवाल को आप लोग स्वयं लगाने का प्रयास करें। यदि आप लोगों को कोई समस्या होती है तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं। चौथा नंबर है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो, किसी भी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। किसी भी बीजगणितीय विधि को मतलब कोई विधि आप लगा सकते हैं, चाहे प्रतिस्थापन विधि लगाइए, चाहे विलोपन विधि लगाइए, चाहे वज्रगुणन विधि लगाइए। तो पढ़ते हैं पहला नंबर इसका। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मानेंगे, माना नियत व्यय बराबर x रुपए, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर y रुपए। प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त क्या कह रहा, जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। तो जो नियत है वो तो लगेगा ही, नियत व्यय प्लस 20 दिन के भोजन का व्यय, 20 दिन के भोजन का व्यय दोनों मिला करके उसको 1000 रुपये देना पड़ेगा। तो नियत व्यय क्या है, x, एक दिन का भोजन का मूल्य y रुपये है, तो 20 दिन के भोजन का मूल्य 20 का गुणा करा दीजिए, तो 20y बराबर 1000। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। यहाँ लिख लीजिए, विद्यार्थी ए के लिए, विद्यार्थी बी के लिए, नियत व्यय प्लस कितने दिन का भोजन कर रहा है, 26 दिन, 26 दिन के भोजन का व्यय बराबर कितने रुपए दे रहा है, 1180 रुपए। तो नियत व्यय क्या है, x रुपए, 26 दिन के भोजन का मूल्य, एक दिन के भोजन का मूल्य y रुपए है, तो 26 दिन के भोजन का व्यय कितना हो जाएगा, 26y, 26 का y में गुणा करा देंगे, बराबर 1180। समीकरण 2 हो गया। अब ये दोनों समीकरणों को चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल किया जाए, चाहे विलोपन विधि से, चाहे वज्रगुणन विधि से, तो मैं इसे विलोपन विधि से हल करता हूँ, क्योंकि x का गुणांक 1 है, x का गुणांक 1 है, सीधे
इन दोनों को घटा देंगे तो कट जाएंगे, वाई का मान निकल आएगा, फिर वाई का मान रख देंगे, हल हो जाएगा। चलिए लिखते हैं, समीकरण एक से दो को घटाने पर, समीकरण एक उठा लीजिए, x प्लस 20y बराबर 1000, x प्लस 26y बराबर 1180। चिन्ह बदलेंगे, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, दोनों कट गए, प्लस माइनस के हैं। 26y से 20y घटेगा, कितना आएगा 6y, चिन्ह बड़ी संख्या का 26 माइनस में है, माइनस लगा दीजिए, 1180 से 1000 घटा दीजिए तो 180 आएगा, और चिन्ह माइनस का है तो माइनस लगा दीजिए, दोनों माइनस कर गए तो y बराबर 180 बटा 6, तो 6 से 180 काट दीजिए, 6 × 6 = 18 = 0, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर 30 आ गया। अब y का मान समीकरण एक को रखिए चाहे दो में रखिए, नोट कर लीजिए, कोई डालना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण एक में y का मान रखने पर, रखिए तो समीकरण एक क्या है, x प्लस 20y बराबर 1000, तो x प्लस 20 गुणे 30 बराबर 1000, तो x प्लस 600 आ जाएगा गुणा कराने में बराबर 1000, 600 उधर भेजेंगे घट जाएगा जाके, तो x बराबर 1000 माइनस 600, तो घटा कितना आ गया 400। तो देखेंगे अतः नियत व्यय बराबर, नियत व्यय क्या है x है, तो x बराबर 400 या तो 400 रुपये, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य प्रतिदिन के भोजन का मूल्य व्यय बराबर वाई का मान कितना आया 600, वो वाई का मान कितना आया 30 रुपये, तो 30 रख दीजिए आंसर। नोट कर लीजिए। अगला सवाल है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मानेंगे, माना अंश बराबर x, हर बराबर y, तो भिन्न बराबर क्या बनी x बटा y। तो प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त क्या कह रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, यानी अंश से 1 घटाइए हर में कुछ न कीजिए, और यह किसके बराबर हो जाता है 1/3 के, तिरछा गुणा करा दीजिए तो 3 × x − 1 में गुणा हो जाएगा, 1 × y में होगा तो y, 3 × x करा दीजिए तो 3x और 3 × 3 दोनों पदों में गुणा होगा, x में भी 1 में भी 3 × दोनों पद में होगा, x में भी 1 में भी 3x और 3 × 3 बराबर y, y को इधर ले लीजिए 3 को उधर भेज दीजिए, तो 3x − y बराबर 3, समीकरण एक, क्योंकि y प्लस में है तो माइनस का आ गया, माइनस का है 3 तो उधर प्लस हो गया। अब द्वितीय शर्त अनुसार लिखेंगे, द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त कह रहा है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी अंश में कुछ नहीं करना है, हर में 8 जोड़ देना है, वो बराबर हो जाती है 1/4 के, तिरछा गुणा करा दीजिए, x का 4 में होगा तो 4x बराबर y + 8 में 1 कराओगे तो y + 8, y को भेज दीजिए तो 4x − y = 8, समीकरण 2 हो गया।
समीकरण 1 और 2 में देख रहे हैं y के गुणांक बराबर है और चिन्ह भी समान है, अतः इन दोनों को घटाया जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, घटा दीजिए तो समीकरण 1 उतारिए 3x-y = 3, इसके नीचे समीकरण 2 उतार लीजिए 4x-y = 8, चिन्ह बदलिए, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, वाई वाई कर दें, प्लस माइनस हो गए, 4x से 3x घटाइए तो x आएगा, 1x आएगा तो 1 लिखा नहीं जाएगा, और चिन्ह बड़ी संख्या का माइनस का, क्योंकि ये चिन्ह नहीं माना जाएगा। और इधर देखिए 8 से 3 घटाएंगे, प्लस माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, क्योंकि ये चिन्ह नहीं माना जाता है, तो दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, तो 8 से 3 घटाएं कितना आएगा, 5 आएगा, और चिन्ह बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या 8 है, माइनस की तो माइनस लगा दीजिए, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना आ गया, 5। अब x बराबर 5 आया तो x का मान समीकरण 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर उतारिए तो 3x-y = 3, तो 3 × 5 = 3 × 5-y = 3, और 3×15-y = 3, 15 को भेज दीजिए उधर तो माइनस वाई बचेगा इधर, 3 - 15 आएगा, और 3 से 15 घटेंगे, प्लस माइनस का है तो 15 से 3 घटेंगे 12, और चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या क्या है, माइनस के, माइनस वाई, माइनस माइनस कट जाएगा दोनों तरफ, और वाई बराबर कितना आ गया, 12। एक्स वाई के मान निकाला है तो लिखेंगे अतः भिन्न बराबर 5/12 आंसर। नोट कर लीजिए। तीसरा नंबर देखिए, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो मानेंगे, माना सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या 1x, गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या 2y। प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त क्या कह रहा है, प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाती है, तो कुल कितने प्रश्न हैं, x और 3 सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं तो सही उत्तर वाले कितने हो जाएंगे, 3x, और कितने प्रश्नों के गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या है y, और अशुद्ध उत्तर पर कितने कटेंगे, 1, तो y प्रश्नों में कितने अंक कट जाएंगे, y शुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों के अंक हैं और ये अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों के अंक हैं, तो कटौती की गई यानी इसको घटाएंगे तो वो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 40। ये हो गया समीकरण 1। इसको समझ गया कि नहीं, इसमें क्या कह रहा है, देखिए प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिल रहे हैं तो कुल प्रश्न कितना है, x, तो एक प्रश्न में 3 अंक मिल रहे हैं तो x प्रश्न कितने अंक मिल जाएंगे, तो x प्रश्न में भी 3 का गुणा करा दीजिए तो 3x अंक हो जाएंगे। गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या कितनी है टोटल, y, और एक प्रश्न जब का उत्तर है गलत होता था कितने अंक काटे जाते हैं, 1 अंक, y प्रश्न के उत्तर गलत हुए हैं तो कितने अंक काटे जाएंगे, y अंक काटे जाएंगे, y का एक गुणा कराएंगे तो सही उत्तर वाले से गलत उत्तर वाले काट दिए तो टोटल कितने बचे, 40।
अंक बचे उसके, द्वितीय शर्त अनुसार आ जाइए। द्वितीय शर्त क्या कह रहा समझिए, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो सही उत्तर पर 4 अंक, तो कुल प्रश्न कितने हैं सही उत्तर वाले x, तो सही उत्तर वालों के हिसाब से उसको 4x अंक मिलते, लेकिन इसमें कटौती की गई, गलत उत्तर दिया, तो गलत उत्तर वाले कितने संख्या हैं भाई, उत्तर पर 2 अंक कटते तो 2y अंक इसको मिलेंगे माइनस मार्किंग, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 50 अंक के बराबर हो जाएगा। अब समीकरण एक दो है, इन दोनों को हल किया जाए। देखिए x का गुणांक यहाँ 3 है, यहाँ x का गुणांक 4 है, बराबर नहीं है। y का गुणांक 1 है, y गुणांक 2 है, बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है तो बराबर किया जाए तो विलोपन विधि से हल करने के लिए, यदि आप प्रतिस्थापन विधि से हल करना चाहते हैं तो y को भेज दीजिए, 3 को भेज दीजिए, x का मान आएगा, x मान से रख दीजिए, उसको हल कीजिए, y का मान निकल आएगा, और फिर इसमें y का मान रख देना, x का मान निकल आएगा। तो मैं विलोपन विधि से लगाता हूँ तो गुणांक किसके बराबर कर लूँ, y के गुणांक बराबर कर लूँ, क्योंकि इसका y गुणांक 2 है, इसका 1 है, तो इसमें हम 2 का गुणांक कराते हैं तो y गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा कराने पर, 2 का कराएंगे क्या बनेगा, 2 तिहाई 6x, 2y, 40 दुनाई 80, समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटाया जाए, तो लिखेंगे समीकरण 2 से 3 को हटाने पर, समीकरण तो उतार लीजिए, 4x माइनस 2y बराबर 50, इसको उतार लीजिए, 6x माइनस 2y बराबर 80, चिन्ह बदलिए, माइनस माइनस के हैं चिन्ह बदलना है, तो प्लस है यहाँ छिपा तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों घटेंगे तो 6x से 4x घटाएंगे 2x, और चिन्ह बड़ी संख्या का तो माइनस का 6 है तो माइनस लगा दीजिए, 80 से 50 घटेगा, प्लस माइनस का है तो कितना आएगा 30, चिन्ह माइनस का तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x बराबर 30/2, 2 से काट दीजिए 15 बार में, तो x बराबर कितना आ गया 15। अब x का मान समीकरण 1 को रखिए चाहे 2 में रखिए, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 3 गुणे समीकरण उतार लीजिए, 3x माइनस वाई बराबर 40, तो 3 गुणे एक्स का मान 15 माइनस वाई बराबर 40, तो 15 दिया 45 माइनस वाई बराबर 40, तो y बराबर 40 माइनस 45 भेज दीजिए इधर 45 को, 75 हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर दोनों घटेंगे तो माइनस का 5 आएगा, 45 से 40 घटाएंगे 5, और चिन्ह बड़ी संख्या का, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y बराबर 5। तो अतः सही उत्तर वाले प्रश्न संख्या कितनी हो गई 15, सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बराबर 15 और गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या, गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बराबर 5। तो कुल प्रश्नों की संख्या पूछ रहा है हमसे, टेस्ट में कितने प्रश्न थे, कुल प्रश्नों की संख्या निकालना है, तो 15 सही वाले प्रश्न हो गए और गलत उत्तर वाले प्रश्न 5 हो गए, तो दोनों जोड़ देंगे 15 5 20।